आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप दो डेटा के साथ एक साथ पिवट कैसे लगाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास की जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि बिटवीन टू डेटा आप कैसे पिवट लगाओगे। तो आप बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने आपको पावर पिवट वगैरह पढ़ाया था। तो उसमें हमने बताया था डेटा को रिलेट करना, कि अगर मान लीजिए डेटा का कुछ पार्ट इस सेट में है कुछ पार्ट इस सेट में है, तो दोनों को आप लुकअप जैसे मेथड के जरिए रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे टोटली अलग है, मेरे पास दो डेटा सेट्स है दो अलग अलग पीरियड की है, तो मुझे जो पिवट लगाना होता है तो जनरली क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, फिर दूसरे डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, राइट। और फिर इसके ऊपर जो पिवट टेबल हमें लगाना है वो पिवट टेबल मैं लगाता हूँ, राइट, ताकि मुझे यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट्स मिल सके, समझ गए। लेकिन ये मुझे बार बार करना पड़ता है क्योंकि ये सीट बार बार मेरा चेंज होती है अपडेट होती है, तो मुझे बार बार उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। मैं कॉपी पेस्ट बार बार नहीं करना चाहता हूं, क्या करें। तो पिवट टेबल में ऐसा कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप दो डेटा को कंबाइन करके कॉन्सलेट करके दो या दो से डेटा को कॉन्सलेट करके आप पिवट लगा सकते हो। तो हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के डेटा कनेक्टिविटी में, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के अंदर में। लास्ट दो क्लासेस में आपको यही पढ़ा रहा हूं ना, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में मैं गया, सबसे पहले बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में जाने के बाद आप एक्सेल को लिंक कर सकते हैं, और मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैंने डी ड्राइव को ओपन किया, डी ड्राइव को हमने ओपन किया और डी ड्राइव में बुक वन हमको मिला, हमने उसको ओके कर दिया। तो इसमें हमारे पास दो सीट का डेटा है, हमने एक सीट का यहाँ लेता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड फिनिश कर देता हूँ, तो सेम डेटा मेरा लिंक हो जाता है। तो बेसिकली लिंक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल लिंक के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए बेसिकली हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में और हम सिलेक्ट करेंगे एक्सेल फाइल को एंड ओके, और हम डेटा सेट को लिए ओके किया, एक पहला डेटा हमने ले लिया एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ हम करते हैं व्यू डेटा एंड एडिट क्यूरी इन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, ओके करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी प्रोग्राम यहाँ खुल जाएगा। तो एसक्यूएल क्यूरी किसको किसको आता है, अब यहाँ पे आपका डी वन पहला डेटा है, अगर आप इसमें एक और इसमें आता है, हाँ न्यू क्यूरी नहीं ओपन, टेबल एड टेबल, एड टेबल में टेबल टू को भी सिलेक्ट किया और इसको भी ऐड कर दिया, तो दोनों टेबल को यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। और सिक्वल क्यूरी राइट करने के लिए आप यहाँ राइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डी टू एंड ओके किया, सॉरी हाँ डी टू के ऐसे नहीं डॉलर के साथ लिखना पड़ेगा हमें, सॉरी नहीं यहाँ पे गलत है, हमने गलती किया, हाँ स्टार्ट फ्रॉम डी टू और हमने यहाँ पे ओके किया और डी टू में हमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। तो देखिए मेरा डेटा डी टू से आ गया, तो हम डी टू एंड डी वन दोनों का डेटा हम यहाँ से लेके आ सकते हैं, जो भी लिखेंगे यहाँ आएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ दोनों टेबल का डेटा, तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डी टू डॉलर, और हमारे पास एक फॉर्म एक कोड होता है यूनियन ऑल ऑल, फिर यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम डी वन एंड डॉलर साइन,
और हम इसको ओके करते हैं। फॉर्म तो सही है, D1 भी सही है, D2 भी सही है, सेलेक्ट भी सही है। ओके एक मिनट रुक जाइए, यूनियन ऑल एक साथ तो नहीं दिखाएगा, लग रहा है एक साथ ही दिखाएगा, नहीं फॉर्म में प्रॉब्लम है। एक मिनट, हाँ जब यूनियन आप लगाते हैं, ओके कीजिए, तो यूनियन लगाने के बाद आपका, आप इसे स्टार नहीं लगा सकते, आपको कॉलम का नेम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलम नेम के लिए यहाँ पे मैं लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D1 डॉलर एंड ओके। तो इसी में आ गया हमारा। अब इसी के नीचे मैं लिखता हूं यूनियन ऑल और फिर इसको पेस्ट कर देता हूं D2 का, आप ओके कीजिए। यूनियन ऑल, हाँ यूनियन ऑल करते ही दोनों यहां मर्ज हो गया। देखिए क्वार्टर वन और यहां देखिए आपके सामने आ रहा है क्वार्टर टू, आ रहा है सर? सर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। सर ये दोनों शीट्स में डेटा सेम था तो इसलिए यूनियन हो पाया। अगर मान लो मेरे पास 140 शीट्स हैं और उनमें अलग अलग डेटा है, अलग अलग कॉलम है, तो नहीं कॉलन फिक्स होना चाहिए। अगर कॉलन अगर कम या ज्यादा हुआ तो नहीं होगा, यहाँ पे इसका बाउंडेशन है तभी तो बीजी यूज करते हैं। अगर इतना ज्यादा होता तो ये पॉपुलर होता ना सर। ओके मतलब वो VBA के थ्रू होगा। जो जो कॉलन आपको मैच करता है ना, तो यहाँ पे आपकी बाउंडेशन नहीं है कि पूरी आप सीट को रखे, आपका देख रहे हैं कि जो कॉलन मैच नहीं है उसको यहाँ से नहीं लिखो, इग्नोर कर दो। ठीक है, कॉलम नेम का यही भी आपका फर्क है ना, यहाँ आप देख रहे हैं ना। आप कॉलम नेम तो कहीं नहीं लिखा ना सर, ये तो शीट नेम ही लिखा है। नहीं नहीं कॉलम नेम है, सीट नेम के साथ उसका कॉलम नेम है, क्वार्टर, क्वार्टर वन, नेम, सिटी, क्वांटिटी, MRP एंड फ्रॉम। अब इसमें एक और खासियत है कि जरूरी नहीं है कि एक ही फाइल हो, ये अलग अलग फाइल भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहीं पे आपको उस फाइल का एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमने फाइल को .xls में से लिया कि बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन ले ले, वरना एक्सटेंशन नहीं लेता है, ठीक है ना। अगर आप xls फाइल है तो एक्सटेंशन नहीं लेगा, तो आपको मैनुअल एक्सटेंशन देना पड़ता है। तो आपको मैनुअल एक्सटेंशन आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज और है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करना चाहूं तो मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूं, जैसे कि मैं स्कूल में जाता हूं, मैं लास्ट में अपडेट, अब डेटा आ गया ना, पहले मैं इसको पिवट टेबल पे ये कर लेते हैं। डेटा आ गया तो मैं अब यहां पे कर देता हूं रिटर्न टू एक्सेल डेटा। अब एक्सेल डेटा आने के बाद क्या चाहिए आपको, पिवट टेबल चाहिए या टेबल चाहिए? अगर टेबल कर देते पूरा का पूरा डेटा आ जाता है, अगर पिवट टेबल रिपोर्ट आप करते हैं तो फिर आपका डेटा यहाँ पे आएगा। अब कल के डेट में मान लीजिए कि आपका अगर कुछ चेंज होता है, मतलब कि कुछ डेटा में ऐड होता है, जैसे डेटा टू में मैंने मान लीजिए कि क्वार्टर थ्री भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं और क्वार्टर Q3 को ऐड कर देते हैं। क्वार्टर थ्री ऐड हो गया, आप जैसे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे क्वार्टर थ्री ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसमें आप अपने SQL क्यूरी, जो भी SQL क्यूरी है उसको यहाँ पर आराम से राइट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के अंदर में। तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में आप जाएं, एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पे अपना एक्सेल फाइल जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जो सीट ऐड करना चाहे ऐड करें, जरूरी नहीं है, नेक्स्ट 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 या रिटर्न टू क्यूरी कर दीजिएगा तो आपका क्यूरी विजार्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो।
यार वो जो आप क्यूरी लगा, ये जो लिख रहे हैं जो एसक्यूएल क्यूरी, वो समझ में नहीं आ रहा है वो। हाँ अब एसक्यूएल क्यूरी के लिए आपको एसक्यूएल सिक्योरिटी को सीखना पड़ेगा ना सर। अब इसमें मैं एक मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगाता हूँ और यहाँ यहाँ कॉमा जरा जरूरी है। हाँ, एज ए टोटल। हाँ देखिए, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहीं पे। इसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने है, मैंने सिक्योर क्यूरी में क्या ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे किया ब्रैकेट में, हमने बोला कि D1 की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय D1 की अमाउंट, और एज ए टोटल। एज क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पे टोटल, मतलब जो फील्ड नेम देना चाहते हैं वो फील्ड नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं कि एज ए टोटल होना चाहिए, तो एज ए टोटल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा चीज है कि मैं पिवट टेबल में मैं यहाँ पे ये नहीं करना चाहता हूं, मतलब कि मुझे पूरा डेटा एक्सपोर्ट नहीं करना है। मुझे मान लीजिए कि मुझे जो है नेम बाय मुझे टोटल चाहिए, किसकी इसका क्वांटिटी का टोटल चाहिए, सॉरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई टोटल चाहिए, लेकिन मैं पूरा डेटा नहीं चाहता हूँ, मैं नेम बाय समरी चाहता हूँ। तो आप नेम बाय समरी भी यहाँ दे सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ नेम छोड़ता हूँ। तो हमने यहाँ पे नेम क्वार्टर एज ए टोटल, अब मुझे फ्रॉम हमने डेटा नाम दे, टेबल नेम दे दिया। अब यहाँ पे देना पड़ेगा आपको ग्रुप बाय मैंने दे दिया यहाँ पे नेम। सर स्पेलिंग गलत है ग्रुप के। अच्छा हाँ, जी आर होगा ना, ठीक है एक मिनट। ग्रुप बाय में स्पेस होगा। मल्टीप्लाई सर जो पॉज लगा रहे हो आप, इसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी कैपिटल लिखा है अपने या नहीं, वो उससे के। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अब जैसे ये देखिए, ग्रुप बाय में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे हो सकता है, एक मिनट देखिए, मुझे सम देना पड़ेगा सम, क्योंकि ग्रुप बाय जब भी हम करते हैं तो सम देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर वो कैसे सम करेगा, हमने सम दे दिया। आ गया सर, तो हमने सम का फॉर्मूला दिया यहाँ पे, लिखा सिलेक्ट D1 नेम सम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय MRP एज ए टोटल, टोटल इज ए फील्ड नेम, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम अपना डेस्टिनेशन लिख दिया ये, और हमने दिया ग्रुप बाय नेम, नेम के हिसाब से ग्रुप करेगा, यहाँ पे नेम बाय ग्रुप कर सकते हैं। अब इसमें आप चाहते हो कि कोई कंडीशन दे, तो आप कंडीशन भी यहाँ दे सकते हैं। कौन सा कंडीशन में, वेयर का कमांड, वेयर हमने मान लीजिए कि नेम की जगह पे मैं देता हूँ सिटी, सिटी इक्वल टू हमने दे दिया पुणे, पुणे ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, पुणे को इनवर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा, टेक्स्ट है ना हाँ सर वो। टेक्स्ट है, नहीं सिंगल कोट में डालना होता है, इसमें इन्वर्टर कॉमा नहीं चलता है। हाँ मतलब कोड पे डालना होता है। वेयर कमांड नहीं चल रहा, ओके ओके, वेयर कमांड ऊपर देना पड़ेगा, ग्रुप बाय सबसे नीचे होता है। हाँ ठीक है, तो पुणे में नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पुणे की जगह पे मान लीजिए दिल्ली कर दूँ, तो दिल्ली का डेटा आ गया, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाता हूँ स्क्वेल में,
यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने से हम रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऑलरेडी वैल्यू आ तो रही है ना जिसमें हम डाल सकते हैं, हाँ वो और तो कुछ इसी तो अंदर है ना, हम एक्सेल है। एक्सेल सीट को चेक कर रहे थे पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में मैं मान लीजिए कि अच्छा इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकता, पैरामीटर हम दिल्ली देते हैं आप R1 ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ाएंगे क्या डेटाबेस की? हाँ वो एक्सेस में पढ़ाएंगे या इसी में पढ़ाएंगे? एक्सेस में बढ़ाएंगे। अब इसकी नॉर्मलाइज कैसे हाँ करेंगे डेटा? अब इसकी डेटा कनेक्शन में हमें जाना होगा, ये डिजाइन में आ गया ना मैं। वीडियो रिकॉर्डिंग सर, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। अब तो सर खत्म होने वाली है, अभी ऑडियो लेके क्या कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास ओके तो प्रॉपर्टीज में हम जाते हैं, डेफिनेशंस में आते हैं, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क मैनुअल लगा दिए। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे वेयर में, क्वेश्चन मार्क मैंने वापस यहाँ दिए, और जैसे मैं ओके करूंगा मुझसे पूछेगा पैरामीटर। और यहाँ पे पैरामीटर मैंने सेट कर दिया, और यहाँ पे पैरामीटर सेट करने के बाद मैं यहाँ D1 का लिंक दे देता हूँ और इस पे सेलेक्ट कर देता हूँ, देन ओके। ओके इसमें पैरामीटर सेट नहीं होगा, एसक्यूएल क्वेरी में पैरामीटर सेट नहीं होता इसमें। यहाँ पे पैरामीटर हम यहाँ पे ओके जैसे करेंगे ना, हमसे पैरामीटर पूछता है, लेकिन इसमें पैरामीटर सेट नहीं होगा सर। ऐसे एसक्यूएल क्वेरी जब पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप होल्ड कीजिए, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि हाँ आप ध्यान रखें कि हाँ इस तरह की क्वेरी भी इंट्री की जा सकती है, लेकिन जब हम आपके पास जब हम आपको दोबारा से सबसे पढ़ाएंगे, जब सिक्वल क्वेरी पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है सर। जी सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हाँ बात सर करेंगे डेटा इसको एनालिसिस। छोड़कर दूसरे कुछ एक्सेल का एप्लीकेशन है जहाँ पे मल्टीपल वर्कशीट और वर्कबुक को हम सेम पैरामीटर्स रहेगा उसको कंबाइन कर पाएंगे? नहीं सर, बीबीए के थ्रू होगा, ओनली बीबीए थ्रू, और दूसरी कुछ एप्लीकेशन नहीं है? नहीं है सर। ठीक है सर, वो आपने वो देखे वो वाला टॉपिक पढ़ा लिया क्या सर, वो कौन सा टॉपिक? जो मल्टीपल वर्कबुक और वर्कशीट को कंबाइन करने के लिए बीबीए के थ्रू में? नहीं, वीवी अभी स्टार्ट कराऊंगा, वीवी होगा तब नेक्स्ट करेंगे। सर एक बार वो डैशबोर्ड देख लेना सर जो मैंने ठीक आपको ठीक भेजे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।